नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये जो वीडियो है ये पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होती है, जिसे हम आरडी कहते हैं, वो क्या होती है, अगर आप आरडी खुलवाते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में ही क्यों खुलवाएं, उसके क्या कारण हैं, और अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस टाइम पे विड्रॉ कर सकते हैं, कब इसको क्लोज कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रोवल के क्या रूल हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर के क्या रूल हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रेकरिंग डिपॉजिट है, आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो, उसमें से पैसा कुछ निकालना चाहते हो, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट से जुड़े जितने भी आपके मन में सवाल हो सकते हैं, उन सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आरडी क्या होती है? आरडी का मतलब है रेकरिंग डिपॉजिट, और रेकरिंग शब्द का मतलब ही होता है बार बार या जो रिपीट होता है। तो रेकरिंग मतलब जहां पे बार बार होता है, देन डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब है आप जमा करते हो। तो ऐसी एक स्कीम जहां पे आपको बार बार या रिपीट करके पैसे जमा करने की जरूरत होती है। तो अगर पोस्ट ऑफिस आरडी की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस की आरडी 5 साल के लिए होती है। तो 5 साल में जो मंथ है वो 60 महीने हैं। तो आपको लगातार 60 महीनों के लिए पेमेंट जमा करनी होती है, पैसे जमा करने होते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। जब 60 महीने पूरे हो जाते हैं तो 60 महीने के बाद आपका जो प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा आपने जमा किया था रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में प्लस इंटरेस्ट ब्याज, तो वो दोनों आपको दे दिया जाता है और जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है वो बंद हो जाता है, या फिर आप उसको दोबारा से भी रिन्यू करा सकते हो। तो इसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस को जो रेकरिंग डिपॉजिट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 साल के लिए होती है, बट 5 साल से पहले भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसके लिए मैं आगे बात करूंगी। अब एक और बात हम समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ही आप रेकरिंग डिपॉजिट क्यों कराए। तो यहाँ एक पॉजिटिव फैक्टर है पोस्ट ऑफिस का कि आप अगर कहीं से भी सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो पोस्ट ऑफिस में कभी भी डिफॉल्ट के चांस नहीं आए। जैसे कि हम बैंक्स में सुन रहे हैं, अभी हाल फिलहाल यस बैंक है और इवन कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि पास्ट में फेल हुए हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि कितना इंश्योरेंस मिलता है, कितना अमाउंट आपका सेफ है, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखें, सारी डिटेल्स मैंने बहुत अच्छे से इसमें कवर की है। तो पोस्ट ऑफिस का डिफॉल्ट का आज तक कोई एग्जांपल नहीं आया है, और पोस्ट ऑफिस जो है वो सोवरेन गारंटी के साथ चलता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की गारंटी होती है इसके साथ। तो जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोलते हो तो उसके साथ सरकारी गारंटी होती है, आपका जो पूरा पैसा है और इवन साथ में ब्याज जो आपको मिलना चाहिए वो भी 100% आपका सुरक्षित होता है। अब मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट रेट की। जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.8% पर एनम है, ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स नहीं है। जब आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हो अपने नाम पे, तो जब आपने ओपन किया है उस टाइम ये अगले 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है सिर्फ उसी आरडी अकाउंट के लिए। तो अगर आप दोबारा से आरडी अकाउंट खोलते हो, एक नया अकाउंट खोलने जाते हो, तो उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा। और इंटरेस्ट रेट्स मैं अपने चैनल पे हर 3 महीने में एक वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट करती हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स हैं या किसी और स्कीम के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं और नए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या है। तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान उस पर क्लिक करें, ऑल प्रेस करें, और सारे इंटरेस्ट रेट्स टाइम टू टाइम आपको हर 3 महीने में मिलते रहेंगे। क्वार्टरली कंपाउंड होता है, और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम का होता है, एक साल का होता है। जो ये इंटरेस्ट है ये आप बीच में नहीं आपको मिलता है, 5 साल कंप्लीट करने के बाद जब आपने जितना पैसा जमा किया है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में वो, और साथ में इंटरेस्ट आपको साथ में ही मिलता है 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। एक तो आप इसको 5 साल की मैच्योरिटी के बाद रिन्यू भी कर सकते हो, बट उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा नए रेकरिंग डिपॉजिट पे। सेकेंडली, अगर आप चाहो तो पैसे की अगर आपको जरूरत है, 5 साल के बाद आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि इतना पैसा आप जमा कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट क्या है, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको पैन कार्ड और साथ में 2 फोटो और एक एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। अगर मैं लिमिट की बात करूं तो जो मिनिमम अमाउंट है, कम से कम अमाउंट है, वो 100 रूपये का है। 100 रूपये पे करके, 100 रूपये जमा करके आप अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो, और 100 रूपये के ऊपर अगर आप चाहते हो तो 10 रूपये के मल्टीपल में आप कितना भी अमाउंट
डिसाइड कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। एक सिंगल अकाउंट होल्डर इसको खोल सकते हैं, ज्वाइंटली आप ओपन कर सकते हो, जैसे आप हैं आप अपनी वाइफ के साथ ओपन कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में। आप माइनर के साथ भी एज अ गार्जियन इसको खुलवा सकते हैं। अगर माइनर जिसकी एज 10 साल से ऊपर है वो भी इसको खुलवा सकते हैं गार्जियन के साथ। अब कुछ और जरूरी बातें हैं पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अगर आप कभी आपका ट्रांसफर होता है तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दे सकते हो। साथ में आप नॉमिनेशन भी कर सकते हो। वो नॉमिनी वो होता है कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उसको कुछ भी हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी केस में, बाय गॉड फॉरबिड, तो उस केस में वो पैसा किसको दिया जाएगा, तो वो नॉमिनी को दिया जाएगा। तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे नॉमिनी का नाम चेंज करना है, तो वो भी पोस्ट ऑफिस जाके आप अपना चेंज करा सकते हो नॉमिनेशन नेम। तो इसके अलावा जब आप पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हो तो आपको एक पासबुक भी मिलती है, और पासबुक में मेंशन होता है कि 5 साल के बाद आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, क्या इंटरेस्ट रेट है, किसके नाम पे अकाउंट है, सारी डिटेल्स उसमें अच्छे से लिखी होती है। और ये पोस्ट ऑफिस के आरडी के अकाउंट को खोलने के लिए आप कैश भी दे सकते हो और चेक भी दे सकते हो। तो पहले समझ लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉवल क्या होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है, बट 5 साल से पहले आपको किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी परिस्थिति में पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर, टाइम से पहले विड्रोवल निकालना। तो टाइम से पहले पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है, तो क्या रूल्स हैं पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट के। जब भी आप अपना पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो, उसका पूरा 1 साल होने के बाद उस टोटल पैसे का 50% 50% आप निकाल सकते हो, प्रीमेच्योर विड्रोवल ले सकते हो। जो आप 1 साल के बाद भी टोटल डिपॉजिट किया हुआ आपका अपना पैसा, उसमें से 50% भी जो कि अलाउड है निकालते हो, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरह से आप अपनी पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट से लोन ले रहे हो। इस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। आप चाहो तो इसको एक साथ भी कभी पे कर सकते हो। तो 1 साल पूरा होने के बाद आप ये पैसा निकाल सकते हो। उसके अगले 4 साल तक, मतलब जब तक आपके रेकरिंग डिपॉजिट का टाइम पूरा नहीं होता है, उसके बीच में आप कभी भी एक साथ इसको इंटरेस्ट को और साथ में जो आपने पैसा निकाला था वो पे कर सकते हो। बट इसमें भी यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है, ये भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि पिछले 1 साल आपने टाइम पे रेकरिंग डिपॉजिट की जो किस्त देनी थी वो भरी है। लेकिन अगर आप मान लो कि 3 साल पूरा होने के बाद ये पैसा निकालते हो, तो भी जो रूल्स हैं, नियम है, वो वही है कि जितना पैसा उस डेट तक आपने जमा कराया है उसका 50% तक आप निकाल सकते हो और उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और 3 साल के बाद जो टाइम बचा है, मतलब 2 साल, उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ जो पैसा निकाला है वो भी पोस्ट ऑफिस को देना होता है, एक साथ आप दे सकते हो। पोस्ट ऑफिस का जो रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट है, अगर आप उसको टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हो तो कैसे होगा? आपने अकाउंट ही बंद करना है, आपको आगे उसको चलाने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो उस केस में रूल है कि जब आप अकाउंट खुलवाते हो उससे 3 साल पूरे होने जरूरी है। तो जिस डेट को आपने अकाउंट खुलवाया है उसे 3 साल कंप्लीट होने जरूरी है। 3 साल के बाद आप अपना प्रीमेच्योर क्लोजर आरडी अकाउंट का कर सकते हो, तो आप उस अकाउंट को 3 साल के बाद ही बंद करा पाओगे। अब उस केस में भी आपको क्या मिलता है? क्या आपको रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम होगा सेविंग्स अकाउंट का, जैसे कि आज की मैं बात करूं इस टाइम की, तो 4% है, 4%। तो उस हिसाब से उस टाइम जो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर दी जाएगी और साथ में जितना पैसा आपने जमा कराया है वो आपको दे दिया जाएगा। अब मैं बात करूंगी कि ये पैसा जो आपको आरडी में जमा कराना होता है ये कब कराना होता है, इसकी डेट क्या होती है। तो यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस देता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 15 तारीख तक, 1 से 15 तारीख के बीच में खुला है, तो अगले महीने के भी 1 से 15 तारीख के बीच में ही आप अपना रेकरिंग डिपॉजिट का पैसा कभी भी जमा करा सकते हो। लेकिन अगर आपका रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट 16 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक खुला है, उसके बीच में खुला है, तो
इसी तरीके से अगले महीने की 16 तारीख से आखिरी दिन उस महीने का, चाहे 30 तारीख है चाहे 31 तारीख है, उसके बीच में आप अपना पैसा कभी भी जमा करा सकते हो। अब मैं बात करती हूँ डिफॉल्ट फी की। मान लो कि ऐसा कोई केस है कि आप टाइम पे पैसा जमा ही नहीं करा पाए, आप एक महीना नहीं जमा कराते हो, दो महीना हो जाता है, तीन महीना हो जाता है, या चार महीना, फोर मंथ का टाइम हो जाता है, तो पोस्ट ऑफिस जो है आपको चार महीने का मैक्सिमम टाइम देता है। फोर मंथ्स के बाद आपका जो अकाउंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन यहां भी आपके पास चांस होता है कि आपके पास टाइम होता है कि आप उसको रिवाइव करा सकते हो, दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो चार महीने अगर आपने लगातार रेकरिंग डिपॉजिट की अपनी पेमेंट पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कराई है तो आपका अकाउंट हो जाएगा डिसकंटिन्यू। उसके बाद रिवाइव कराने के लिए पोस्ट ऑफिस जाके आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और जितना चार महीने का पैसा आपने जमा नहीं कराया है उसकी डिफॉल्ट फीस, जो पेनल्टी, जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। जो पैसा आपने भरना था पिछले चार महीने में, साथ में वो किस्त भी देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पांचवें महीने का पैसा जमा करा पाओगे। लेकिन मान लो कि ऐसा होता है कि चार महीने पूरे हो गए हैं आपको फिर भी याद नहीं है, तो कितना टाइम है कि आप इसको दोबारा से शुरू कर सकते हो? तो भी पोस्ट ऑफिस आपको दो महीने का टाइम और देता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास छह महीने का टाइम होता है। छह महीने में आप अपने, मतलब चार महीने बीतने के बाद रिवाइव कर सकते हो। अब एक और केस लेते हैं, छह महीने बाद क्या होगा? छह महीने बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, जितना पैसा उसमें जमा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा, आगे आप उस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को नहीं चला पाओगे। अब यहाँ पे नुकसान क्या है? आप शायद सोच सकते हो कि मैं तो नया रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लूंगा, इसमें नुकसान ही कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान होता है, टाइम टू टाइम अगर आप पिछले पांच साल या दस साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो हो सकता है कि जब आपने वो रेकरिंग डिपॉजिट जो अभी छह महीने पूरी होके बंद हो गई है क्योंकि आपने टाइम पे उसका पैसा जमा नहीं कराया, तो हो सकता है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अच्छा हो और अब इंटरेस्ट रेट बहुत गिर चुके हों, तो वो जो इंटरेस्ट रेट का नुकसान है वो आप जरूर उठाएंगे। तो इसीलिए अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में या इवन बैंक में भी खुलवाते हैं तो टाइमली उसकी पेमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि ये जो फी है, जो चार्ज है या चार्जेस पेनल्टी, ये कितना होगा, ये जुर्माना कितना होगा? तो डिफॉल्ट फी को बहुत ही इजीली अगर मैं बात करूं तो सौ रुपए पे आपका जो डिफॉल्ट का चार्ज है वो एक रुपए होगा। 500 रुपीज, 500 रुपए पे जो चार्ज होगा वो 5 रुपए होगा। इसी हिसाब से 1000 रुपए का अगर आपके रेकरिंग डिपॉजिट थी, आपने डिफॉल्ट किया तो 1000 पे बनेंगे 10 रुपए। कुछ पॉजिटिव भी मैं बता देती हूँ, कुछ अच्छी सी बात रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो पोस्ट ऑफिस आपको रिबेट भी देता है, तो छूट भी देता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं टाइम से पहले एडवांस में कुछ किस्त जमा करा सकता हूँ अपनी रेकरिंग डिपॉजिट की, तो आप करा सकते हो, उसमें पोस्ट ऑफिस आपको कुछ छूट देगा। तो ये छूट कितनी होगी? अब इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप छह महीने की रेकरिंग डिपॉजिट की किस्त एक साथ जमा कराते हो तो आपको 100 रुपए पे मिलेगी छूट 10 रुपए की, तो 100 रुपए के पे 10 रुपए की छूट मिलेगी। अगर आप 6 महीने की किस्त रेकरिंग डिपॉजिट की एक साथ पोस्ट ऑफिस को दे देते हो तो। अब दूसरा जो केस है, अगर आप 12 महीने के पूरे एक साल की रेकरिंग डिपॉजिट की किस्त पोस्ट ऑफिस को एक साथ दे देते हो तो आपको 100 रुपए पे 40 रुपए की छूट मिलेगी। अब मैं बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट, टैक्सेशन, कि आपको इस पे टैक्स कितना लगेगा, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैंने दी है पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ये आपको अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आई, तो इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या किसी भी मीडियम से आप अपने नॉन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कुलीग्स को भेज सकते हो। तो पहले मैं बात करती हूँ टीडीएस की। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे टीडीएस नहीं काटता है। अब दूसरी जो बात है वो है टैक्सेशन। अगर टैक्स डिडक्शन बोलू, 80C के अंडर मिलती है, उसके लिए रेकरिंग डिपॉजिट एलिजिबल नहीं है। तो या बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट है या फिर पोस्ट ऑफिस की, वो दोनों ही 80C का पार्ट नहीं है, 80C सेक्शन का पार्ट नहीं है। तो आप इसके थ्रू कोई टैक्स नहीं बचा पाओगे, टैक्स सेविंग नहीं कर पाओगे।
अब तीसरी जो बात है, 5 साल के बाद जो आपको आप अपना पैसा जमा करते हो वो, और साथ में जो इंटरेस्ट या ब्याज आपको दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे भी आपका टीडीएस कोई नहीं कटेगा। जितना टोटल पैसा आपका पासबुक में लिखा गया था जब आपने अपना रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, उतना ही पैसा आपको दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं काटा जाएगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में आ गया है, तो उसके बाद वो जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। या जो इंटरेस्ट है ये पूरा टैक्सेबल है, लेकिन जो 5 साल के टाइम में आप पैसा देते हो या 5 साल के बाद, पोस्ट ऑफिस आपका कोई पैसा नहीं काटेगा, कोई टीडीएस इसमें नहीं है। तो इसीलिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भी इसमें जमा करने की, पोस्ट ऑफिस में जमा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म 15G H क्या होता है, इसकी डिटेल के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। अब आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो पोस्ट ऑफिस का कस्टमर केयर नंबर। मैं अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है, एटीएम कार्ड है, तो उससे रिलेटेड कस्टमर केयर नंबर भी मैंने यहाँ पे दिया है। अब मैं बात करती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, वो है एनालिसिस। किसको पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, वो लोग जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं कि मुझे सिर्फ सरकारी स्कीम में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं जाना, मुझे स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं लगती है, या मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं, तो वो लोग पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपका कोई ऐसा गोल है कि जो 5 साल के बाद आपने पूरा करना ही करना है, आपको आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, गारंटी भी चाहिए और काफी पैसा आपका बैंक में है, आप चाहते हो कि कहीं और भी रखें जहां पे सुरक्षित हो, तो पोस्ट ऑफिस एक साधन है जहां पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि किनको पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही ओपन इन्वेस्टर है, या मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, या जिनको पैसे पे थोड़ी ज्यादा ग्रोथ चाहिए और वो रिस्क भी बेयर कर सकते हैं, तो उनको रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, जब भी आप रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करने चाहिए पोस्ट ऑफिस के और बैंक्स के। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप 5 साल के लिए एक सिप करते हो बैलेंस फंड में, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, तो इक्विटी हाइब्रिड फंड में या इवन डेट हाइब्रिड फंड में अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे अगर मैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से तुलना करूं। इसके अलावा अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में बिलीव करते हैं, तो मल्टी कैप फंड है, इवन लार्ज कैप फंड है। अब ये कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करेगा, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको एडवाइस कर पाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जानने जरूरी होते हैं कुछ भी एडवाइस करने से पहले। तो ये थी मेरी वीडियो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में। पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर जरूर लाइक करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्लिक करें, देन बेल आइकन, वहीं पे घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करें। बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें, और टाइम टू टाइम जितने भी इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम के, जितने भी मेजर बैंक्स हैं इंडिया में उनके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, कोई बड़ी न्यूज आती है वो मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ। तो इन सब चीजों से अपने आप को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, एंड थैंक यू, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।